हरे कृष्णा, आज हम बनाने वाले हैं बेबी कॉर्न और पटैटो इन पालक एंड कैश्यू ग्रेवी। इसके लिए मैंने लिया है बेबी कॉर्न और आलू, मैंने इनको स्टीम कर लिया है। पालक मैंने इसको बारीक काट लिया है, टमाटो, ग्रीन चिलीज, कैबेज और काजू, और मसाला आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने पालक, पत्ता गोभी, टमाटर, काजू और मिर्ची को मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर दिया है। अब हम इसका पेस्ट बनाएंगे। मैंने एक कढ़ाई में पानी डाला, फिर उसमें जीरा डाला, फिर सौंफ डाला, हर बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाला, हल्दी डाला और तेज पत्ता डाला। अब इसमें से ये कुक हो गया है और इसमें से एक फ्लेवर, एक अरोमा आ रहा है। अब हमने ये कढ़ाई में ये पेस्ट डाल दिया जो हमने पीसा था। फिर मैंने इसमें नमक डाला, ब्लैक ब्लैक सॉल्ट डाला, रॉक सॉल्ट डाला, सब्जी मसाला डाला, सिनेमन पाउडर डाला और ब्लैक पेपर डाला। अभी हम इसको कुक करेंगे। पानी जो मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ वो मैंने जो बेबी कॉर्न और पटैटो को स्टीम किया था वही पानी यूज़ कर रही हूँ, मैंने वो पानी फेंका नहीं है। हमारी ग्रेवी ऑलमोस्ट कुक हो गई है, अब हम इसमें स्टीम पटैटो और स्टीम बेबी कॉर्न डालेंगे। मैंने अब इसमें स्टीम पटैटो और स्टीम बेबी कॉर्न डाल दिया है और इसको 5 to 10 मिनट इसको इसमें डाल के इसको कुक करेंगे, जैसे कि मसाला अच्छे से ब्लेंड हो जाए। तो इसमें मैंने ना कोई ऑयल यूज़ किया है ना कुछ घी यूज़ किया है, नेचुरल ऑयल के लिए मैंने इसमें काजू डाला है। हमारी सब्जी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। थिकनेस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, अगर आप इसको रोटी के साथ ले रहे हैं तो आप इसको अच्छे से ड्राई कर लीजिए, और अगर आप इसको राइस के साथ ले रहे हैं तो आप इसको थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में रख सकते हैं। सो आप ये देख सकते हैं कि हमारी ये सब्जी, हेल्दी टेस्टी सब्जी तैयार हो गई है। हमारी हेल्दी टेस्टी सब्जी तैयार है, बेबी कॉर्न एंड पटैटो इन पालक एंड कैश्यू ग्रेवी। प्लीज़ डू ट्राई दिस रेसिपी एंड थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।